नमस्कार, मसाला महक में आपका स्वागत है। मैं आज गट्टे की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, दो टमाटर, ये अदरक का टुकड़ा है, हरी मिर्च, चार लहसुन, दो प्याज और ये कुछ मसाले पाउडर, धनिया, मिर्ची, जीरा, हल्दी, ये चिली फ्लेक्स है और ये पानी, जितना पानी लगेगा उतना मैं डालूँगी। फिर ये चिली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, जीरा पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर, फिर ये नमक 1/2 चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है। अब ये मैं तेल डालूँगी, सरसों तेल। बेसन की सब्ज़ी सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है, आप रिफाइंड वाले में भी बना सकते हैं। फिर अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। फिर एक डो तैयार कर ली हूँ, इधर मैं पानी उबलने के लिए रखी थी गैस पे, तो पानी मेरा उबल गया है। फिर डो का मैं इस तरह का एक लंबा शेप बना लूँगी हाथ से, इस तरह से। फिर उबलते हुए पानी में मैं डाल रही हूँ। मैं 2 जन के लिए बना रही, तो आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग बनाएं। फिर इसमें उबाल आने दूँगी 5 मिनट के लिए, कवर करके ढक दी हूँ। फिर देखिए 5 मिनट हो गया तो ये फूल गया है, और थोड़ा साइड से देखिए बबल्स भी आ गया है, मतलब अच्छे से पक गया है। इधर मैं प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन सबको काट के मिक्सर जार में, और टमाटर, सारी चीज़ों को मैं काट ली हूँ और मिक्सर जार में ग्राइंड कर लूँगी। अच्छे से पेस्ट बना लूँगी एक, इसको हम लोग बिहार में रामरुच भी बोलते हैं। देखिए ये उबल गया है, ठंडा हो गया, तो मैं इसको इस शेप में काट लूँगी। ठंडा हो जाए तभी आप काटें, गर्म में ना काटें। ये मेरा अच्छे से कट गया, तो मैं इधर कढ़ाई रखी थी, गरम हो गया, तो फिर तेल डाल दी हूँ। इसमें मैं गट्टे को फ्राई करूँगी, सेलो फ्राई, कलर चेंज होने तक। इसको भी मैं लो फ्लेम पे 2 से 4 मिनट के लिए भून लूँगी। देखिए कलर चेंज हो गया है, थोड़ा गोल्डन दिख रहा है। देखिए इस तरह से आप भी भून लें। फिर मैं तेल डाल दी उसी कढ़ाई में, जीरा डाल दी हूँ, 1 तेज़पात, जीरा मेरा चटक गया तो मैं अब हींग डाल रही हूँ। हींग भी मेरा पक गया, सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ। फिर मैं ये पेस्ट जो बना के रखी थी, लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक, मिर्ची का, वो डाल दी हूँ। इसको मैं मीडियम फ्लेम पे भून ली हूँ, अच्छे से भून ली हूँ। फिर कलर चेंज हो गया, पानी भी सूख गया, तो मैं इसमें मिर्ची पाउडर, ये कश्मीरी मिर्ची है, धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर 1.5 चम्मच। फिर मैं सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी। फिर मैं इसको नमक डाल के भून लूँगी, अच्छे से भून जाएगा। देखिए तेल छोड़ दिया मसाला,
तो मैं ये भुना हुआ गट्टा डाल दूँगी, जिसको कि हम लोग रामरुच भी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में लिखेंगे, बताएंगे हमको। फिर इसको मैं भून रही हूँ उलट पलट के अच्छे से। देखिए कलर कितना अच्छा कलर आ गया है। उलट पलट के इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भूने। देखिए कितना प्यारा कलर है। इसी तरह आप भी भूने। फिर मैं ये पानी डाल दी हूँ, वही पानी है बेसन जो उबाली थी मैं, गट्टे को उबाली हूँ वही पानी रखी थी मैं, फेंकी नहीं थी। फिर मैं उसको डाल दी हूँ। फिर इसको मैं पकाऊंगी 5 मिनट के लिए, ताकि गट्टे अच्छे से गल जाए। फिर ये घर का बना हुआ गरम मसाला डाल दिया 1/2 चम्मच। गट्टा मेरा पक गया है। देखिए आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले। धन्यवाद। प्लीज़ शेयर भी करें, कमेंट भी करें। देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ ये गर्मा गर्म चावल या रोटी के साथ खाएं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे मेरा गट्टा, देखिए कितना अच्छे से गल गया है। थोड़ा सा प्रेस करने से कितना अच्छा से दब जाता है।